तो आज हम लाए हैं आपके लिए व्हाइट कार्बन का GT5। इसका हम करने जा रहे हैं टॉप स्पीड रिव्यू। मेरा वेट में बता देता हूँ, 75 मेरा वेट है। गाड़ी का एयर प्रेशर भी एकदम बढ़िया से है, इसको टॉप मोड में डाल दिया है मैंने, और इसके अंदर चार्जिंग भी इनफ है। डिस्प्ले नहीं करता लेकिन चार्जिंग फुल करके रखा है हमने। इस गाड़ी को हम चला के दिखाएंगे कि ये कितनी टॉप स्पीड अचीव करता है और कितना तेज भाग पाता है। वैसे इलेक्ट्रिक लाइनअप के अंदर व्हाइट कार्बन का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। आपको एक बार मैं एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है व्हाइट कार्बन की तरफ से। इसमें आपको पूरा ब्लैक फिनिश मिल जाता है और LED लाइट्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे ग्राफिक्स के साथ आता है। टायर का साइज भी 12 इंच का टायर है। पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, आगे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। चॉकअप्स और सस्पेंशन बहुत ही आला दर्जे का है। शुरू करते हैं इस रिव्यू को। सेट किया है थर्ड मोड जो कि इसका पावर मोड रहता है, इसमें हमने इसको सिलेक्ट किया है। मैं इसको दूंगा फुल थ्रॉटल। रोड वैसे एम्प्टी है, ज्यादा कुछ लोग नहीं है, तो मैं इसको फुल थ्रॉटल पे चलाऊंगा। चले तो फिर इस रिव्यू को शुरू करते हैं। अभी मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया है गाड़ी को शुरू होते ही, और अभी गाड़ी अचीव कर चुकी है 35-40, और पूरा चलने के बाद ही गाड़ी ने अचीव कर दिया है 47-48। और स्पीड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 48 की स्पीड यहाँ पे लॉक हो चुकी है। हमने लॉकिंग कर दिया है यहाँ पे 49 की स्पीड थी, और अभी हम जैसे कि जा रहे हैं मेरा फुल थ्रॉटल तेज का है, पावर बोर्ड की गाड़ी चल रही है, यहाँ पे 48 की स्पीड लॉक हो चुकी है। इस तरीके की जो है ब्रेकिंग भी बहुत ही बढ़िया है। अभी हम जो रन लेके आ रहे हैं वो विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन वाला रन था, अभी हम इसको चलाएंगे विंड की डायरेक्शन में। देखना चाहता हूं मैं कि अगर 48 से ज्यादा चल सकती है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है इसकी 50 की स्पीड। तो मैंने यहां पे लगा लिया है वापस से टॉप स्पीड मोड, और इसको मैं पुश करना चाहता हूं फुल। तो मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया और गाड़ी चल रही है अपनी स्पीड से 25, 27, 30, 35, 40 तक। तो ये गाड़ी इतना तेजी से खींच देती है कि आपको मजा ही आ जाएगा। जैसे कि अभी हम चल रहे हैं 48 की स्पीड से, विंड की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 48 की स्पीड यहाँ पे लॉक हो चुकी है। बहुत ही तेजी से गाड़ी रुक जाती है, अंदाजी 2-2.5 सेकंड के अंदर रुक गए। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो इसका टॉप स्पीड रिव्यू, और बताइएगा कमेंट के अंदर कि आप इसके और वेरिएंट्स देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बाकी हम दिखाते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलेंगे।